ना पुलिस की बहाली की नियमावली बना पाए, ना शिक्षक बहाली की नियमावली बनाए, किसी भी बहालियों की नियमावली ये लोग नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने ठेका पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली कर दी और ऐसे खिचड़ी परोस दिया कि पूरा कर्मचारी अस्त व्यस्त अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दिन रात आंदोलित रहे। यहां उपस्थित जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुबंध पर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय का बात हो, चाहे नर्स वगैरह की बात हो, चाहे पुलिस सिपाहियों की बात हो, आप लोग चिंता ना करें, हर एक वर्ग का समस्या का समाधान हम निकाल के रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, कोई नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, सभी को कहीं ना कहीं रोजगार से हम जोड़ेंगे। समस्याएं अनेक हैं, अभी सहायक पुलिस सब इधर उधर बेचारा भटकता रहा, उसको गलत तरीके से इन लोगों ने नियुक्ति कर दी और ऐसा इनको इनके साथ खिलवाड़ किया कि आज बेचारा ना सड़क के रह गए ना घर के रह गए। अब ये टिकरा जो सरकार आएगा उसके मत्थे, आज देख लीजिए हमारे इस राज्य के 12 शिक्षकों को जो साल के 12 महीने में 11 महीना सड़कों पर आंदोलन करता था, सैकड़ों लोग उसके जान से चले दोना पड़ा आंदोलन में इन लोगों का, लेकिन 20 वर्ष में कभी भी विरोधियों ने इन लोगों का आंसू नहीं पोंछा। क्या हमको लगा था कि सरकार बनने के बाद उन 65-70 हजार पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में काम कर रहे हैं? तबाह तबाह विगत 20 साल लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, 40 साल लग गए हम लोग को अलग राज करने में और इन बेईमानों को गद्दी से उतारने में 20 साल लग गया। बताओ, इसीलिए लोगों को पहचानिए। आज हर वो काम, अभी कल परसों ही प्राइवेट सेक्टर में लोगों को, निजी क्षेत्र में लगभग 12 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया, किसी को 10 हजार, किसी को 12 हजार, किसी को 15 हजार, किसी को 35 हजार तनख्वाह वाला नौकरी। ये परमानेंट नौकरी नहीं था, निजी क्षेत्र में नौकरी हमने दिया, ये उसके लिए आगे बढ़ने का एक दरवाजा खोला हमने, जो बेरोजगार बैठे थे आगे बढ़ने के लिए और भी रास्ते हम बना रहे हैं उनके लिए। उन गैर सरकारी संस्थान में रहते रहते जो भी नौजवान जेपीएससी यूपीएससी और भी बैंक पीओ वगैरह का, रेलवे का, कोई भी भर्ती करने का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर तैयारी करेगा, उसका भी आने वाला समय पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगा, ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं।